हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने या लास्ट जो क्वेश्चन लिया था वो ये लिया था x लेस देन कितना था -5, और मैंने आपसे पूछा था कि भाई 1/x बिलोंग्स टू कितना, करेक्ट। सो नाउ इसी सीरीज में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जैसे इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने लिया था उसके अंदर पॉजिटिव रीजन आ रहा था, और इस वाले क्वेश्चंस में इंटायरली हमने कौन सा रीजन कवर कर लिया, नेगेटिव रीजन कर लिया। जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सब पलटी मारने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पलटी मारने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। दैट मीन्स 1/x वाला क्वेश्चंस टाइप हम लोग कर रहे हैं, करेक्ट। सो मैं थोड़ा सा, मेरा बोर्ड बहुत ज़्यादा ही वाइट हो गया चौक से, इसीलिए थोड़ा आज एक नए कपड़े से मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, करेक्ट। खैर आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव रीजन भी आ जाए और नेगेटिव रीजन भी आ जाए। तो इसी में मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इफ एक्स लेस देन 2 ले लेते हैं, x less than 2 then 1/x belongs to what? मतलब 1/x, अगर x 2 से छोटा है तो 1/x किसके बीच में लाई करेगा, समझ रहे हैं आप लोग। सो खैर लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, तो सबसे पहले जब भी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, x less than 2 लिया, इसका मतलब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं x less than 2 का। पहले हम लोग हमारा नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, जैसे ये हमारे पास 2 है और ये 2 से छोटी वैल्यू है, 2 से छोटी वैल्यू है, तो हमने लिखा यहां से x belongs to -infinity से लेकर 2 लिखा। अब x belongs to -infinity से लेकर 2 लिखा, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये हमारा इंटायरली रीजन है, इसमें हमने एक छोटा सा क्या दिखा दिया, 0 दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपकी बात शेयर करूं कि 0 से 2 में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और -infinity से 0 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चंस में बड़ा इंटरेस्टिंग पैच है, और इंटरेस्टिंग सा पैच क्या है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, करेक्ट। सो सिंपली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे इस इंटरवल को 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। कैसे? -infinity से लेकर 0, जैसे -infinity से 2 लिखा हुआ है, इसी वाले क्वांटिटी को -infinity से लेकर कितना है, 2 है, और फिर 0 से लेकर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, हमारे x में ये वाली क्वांटिटी इन्वॉल्वमेंट है। सो गाइज, हम लोग इसी वाले इंटरवल को कैसे लिखें, इस वाले इंटरवल को हम लोग कैसे लिखें, -infinity से लेकर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और फिर जैसे हमारे पास 0 से 2 के बीच में तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 से 2 के बीच में तो कितनी आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और -infinity से लेकर 0 के बीच में क्या आ रही है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू को अलग करना पड़ेगा पहले, और नेगेटिव वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें क्या लगानी पड़ेगी, पलटी मारनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही होगी मेरी आपको। तो एक्स बिलोंग्स टू -infinity से लेकर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। एक मैं मेरा फोन यहाँ पे थोड़ा सा स्विच ऑफ कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। और ये मैंने फोन को किस मॉल में डाल दिया, इसमें डाल दिया, ठीक है। अब x लेस देन कितना आ गया, 2। तो मैं इस वाले रीजन को 2 पार्ट में तोड़ लूँ। पहला रीजन, जैसे x बिलोंग्स टू -infinity से 2 आ रहा है, तो एक काम करते हैं, x बिलोंग्स टू -infinity से लेकर 0, एक रीजन बना लिया -infinity से लेकर 0, क्योंकि ये सारी वैल्यू इस तरफ नेगेटिव आ रही है, करेक्ट, -infinity से 0। फिर यूनियन 0 से लेकर 2, इसको अलग रीजन में बांट दिया, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कितना 2, इसको मैंने अदर रीजन में बांट दिया, -infinity से लेकर 0 और 0 से लेकर कितना 2, मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। बात समझ में आ रही होगी, x बिलोंग्स टू -infinity से 0
और यूनियन एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेकर टू, करेक्ट। सो नाउ अब मैं क्या करूं कि इस वाली वैल्यू को क्या मारनी पड़ेगी, पलटी। ये तो मेरे पास x का सेट है, ये तो मेरे पास क्या है, x का सेट है, तो मैं यहां से 1 बाई एक्स का अगर सेट लिखूं इस वाले रीजन से, दैट मीन्स दिस इज 1 बाई एक्स, तो जीरो को पलटी मारूंगा तो ये तो नेगेटिव वैल्यू ही है, तो जीरो को पलटी मारूंगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, लेकिन जाना उसको नेगेटिव साइड में ही है क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू तो लेगा नहीं, और इन्फिनिटी को मारूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अल्टीमेटली जीरो को मैंने पलटी मारी तो ये क्या हो जाएगा, एक बटा जीरो, और इन्फिनिटी को मैंने पलटी मारी तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो दैट मीन्स इस पर पलटी मारने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर कितना लिया, यूनियन जीरो से लेकर टू, तो इसकी पलटी तो इधर जाएगी और इसकी पलटी इधर जाएगी, तो यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं इस चीज का, अगर आप चाहें तो यहां भी 1 बाई एक्स बिलोंग्स टू, मैं इस वाले पार्ट के लिए लिख रहा हूं, तो 2 को पलटी मारी तो ये 1 बटा 2 आ जाएगा, और 0 को पलटी मारी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। शायद आप बात ध्यान से समझिए, 0 को पलटी मारी तो ये इन्फिनिटी हो गया, लेकिन माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू को कवर कर रहा था, और इन्फिनिटी को पलटी मारी तो ये कितना हो गया, जीरो, क्योंकि जीरो कभी भी माइनस जीरो नहीं होता है। इन्फिनिटी के आगे तो हम लोग प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी यूज करते हैं, लेकिन जीरो के आगे हम लोग कभी भी ऐसा यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स गाइस, 1 बाई एक्स बिलोंग्स टू, व्हाट इज योर आंसर फाइनली, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो यूनियन 1 बाई टू से लेकर कितना बेटा, इन्फिनिटी। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चा, आंसर आ गया, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको ये बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय गलतियां करता है। मैं आपको डैम श्योर बोल सकता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चंस आपको कहीं भी मार्केट में मिलेगा, तो जिसमें पॉजिटिव रीजन भी है, जैसे आप देख सकते हैं जीरो से लेकर टू के बीच में पॉजिटिव रीजन है, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो के बीच में नेगेटिव रीजन है। दिस इज द इंटायरली पॉजिटिव एंड दिस इज द इंटायरली नेगेटिव। बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सो पॉजिटिव रीजन को मैंने अलग कर लिया, और बीच में मैंने किसका इस्तेमाल किया, यूनियन का, मतलब ये भी है और ये भी। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना ले लिया मैंने, टू। आई होप दिस इज क्लियर, ये बात आपको सबको समझ में आ रही होगी। सो इसमें क्या करना है, ये आपने उतार भी लिया होगा, अगर आप, मैं साइड हो जाता हूं, आप इस प्रॉब्लम को उतार लीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो आप बहुत आसानी से अब डील कर सकते हैं, जहां तक मेरा मानना है। सो पलटी मारना आप लोग सीख चुके हैं, स्क्वायरिंग करना आप लोग सीख चुके हैं, और क्यूब करना आप सीख चुके हैं। स्क्वायरिंग के भी मैंने आपको अलग अलग केसेस बता दिए। अब हम सम कुछ एग्जांपल्स लोग करते हैं, करेक्ट। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग इसमें, हमारा अगला एग्जांपल इसमें ऐड करते हैं, और वो है इफ एक्स बिलोंग्स टू, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा माइनस थ्री से लेकर और ये लिखा मैंने, छोटा ही नंबर लिख लेते हैं, टू। माइनस थ्री से लेकर कितना लिखा, टू लिखा, पहले भी लिखा होगा। देन पहला क्वेश्चन, देन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें करने जा रहे हैं, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से लेकर कितना लिया, टू लिया। माइनस थ्री से लेकर कितना लिया आप लोगों ने, टू लिया। देन पहला क्वेश्चन इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस टू बिलोंग्स टू व्हाट, कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें लिया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिया, टू बिलोंग्स टू कितना। एक और इसी में ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, फाइव बिलोंग्स टू कितना। तीसरा क्वेश्चन हम लोग इसी सीरीज में ले लें, और वो ले लें कौन सा, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, पांच है, और तीसरा क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर ले लें, एक्स क्यूब प्लस कितना, टू ले लेते हैं, बिलोंग्स टू कितना, करेक्ट। एंड तीन के बाद चौथा क्वेश्चन यहां पर ये जनरेट हो सकता है क्या, कि एक्स की पावर चार बाई चार प्लस थ्री बिलोंग्स टू, करेक्ट। देर आर फोर क्वेश्चंस मैंने पहले इसमें, इस क्वेश्चन के अंडर में, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से लेके टू, देन एक्स स्क्वायर प्लस टू बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस पांच बिलोंग्स टू, एक्स क्यूब प्लस टू बिलोंग्स टू, एक्स की पावर चार बाई चार प्लस थ्री बिलोंग्स टू। मुझे इन चारों क्वेश्चंस के आंसर देने। नहीं गाइस, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास सबसे पहले यहाँ स्क्वायरिंग भी है और क्यूबिक भी,
तो इसके अंदर माइनस थ्री से लेकर कितना जा रहा है, टू जा रहा है। पहले ये तो आश्वस्त हो जाएगी कि हमारा लिखा हुआ इंटरवल सही है कि गलत, तो डेफिनेटली सर सही है, माइनस थ्री से लेकर टू के बीच में। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से लेकर कितना है, टू है, माइनस थ्री से लेकर टू है। सबसे पहले मुझे यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है और एक्स की पावर चार की वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले मान लीजिए मैं पहला ही क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले इसका स्क्वायर किया, तो मैंने आपको सिखाया था एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, अगर एक यहां नेगेटिव है और इसमें क्या है पॉजिटिव है तो क्या करेंगे। मैंने ये चीज आपको सिखाई है, ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू इधर कौन बैठेगा बच्चा, जीरो बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए नेगेटिव से क्या जा रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव से क्या जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जा रहा है तो इधर जीरो बैठेगा। तो यहां पर कौन बैठेगा, इन दोनों के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जो ज्यादा होगा, तो इसका तो नो है इसका चार है, तो डेफिनेटली कौन बैठेगा, नौ बैठेगा। सो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जीरो टू नाइन। अब हमें किसी इनइक्वालिटी में कुछ जोड़ते हैं तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी नंबर होता है वो जुड़ जाता है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे साहब, एक्स स्क्वायर प्लस कितना टू बिलोंग्स टू, दोनों तरफ जोड़ दो, जोड़ दिया जीरो में दो जोड़ा तो ये दो ही रहेगा और नौ दो कितना हो गया ग्यारह, तो आंसर आ जाएगा टू टू लेकर कितना ग्यारह, दो से लेकर किसके बीच में ग्यारह के बीच में। नाउ इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख डालेंगे, क्या दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस कितना पांच बिलोंग्स टू, एक्स स्क्वायर माइनस पांच बिलोंग्स टू, तो इसमें से पांच घटाया आपने, तो एक्स स्क्वायर का डाटा ये है, इसमें से जीरो माइनस कितना पांच कर दिया और नौ माइनस कितना कर दिया पांच कर दिया। गाइज व्हाट इज योर आंसर फ्रॉम हियर, एक्स स्क्वायर माइनस कितना पांच बिलोंग्स टू माइनस पांच, जीरो माइनस पांच का मतलब कितना माइनस पांच, और नौ में पांच गया तो ये कितना बचेगा चार बचेगा, तो माइनस पांच से लेकर चार के बीच में एक्स स्क्वायर माइनस पांच आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें क्यूब करना है, क्या करना है क्यूब करना है, तो अगर क्यूब करना है तो मेरे पास, मैं इस वाले स्लॉट में मैं थोड़ा इधर होके आपको बोर्ड ध्यान से अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं इस तरफ हो जाता हूं। अगेन मेरे पास एक्स क्यूब बिलोंग्स टू, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से लेकर कितना है टू है, मुझे थर्ड क्वेश्चन में क्यूब करना है, क्यूब करना है तो क्यूब के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बिलोंग्स टू माइनस तीन का क्यूब कितना भाई, तीन तीन नौ तीन कितना सत्ताईस, जो जहां है वहीं रहेगा माइनस सत्ताईस, और ये कितना हो जाएगा आठ, दो की पावर तीन कितना आठ, तो माइनस सत्ताईस से लेकर किसके बीच में आठ, एक्स क्यूब प्लस टू, तो इसका मतलब मेरे थर्ड क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस टू किया मैंने, एक्स क्यूब प्लस कितना किया टू बिलोंग्स टू, मतलब माइनस सत्ताईस प्लस कितना टू और एट प्लस कितना टू, करेक्ट। थोड़ा कैलकुलेशन आप चेक करते रहिए, दिस इज एक्स क्यूब प्लस कितना टू बिलोंग्स टू माइनस सत्ताईस, तो ये कितना बचेगा माइनस ट्वेंटी फाइव, सत्ताईस पच्चीस और आठ और दो कितना दस, शायद ये बात आप समझ रहे होंगे कि एक बार कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेते हैं, माइनस तीन का क्यूब कितना हो गया माइनस सत्ताईस और दो का क्यूब कितना हो गया आठ, अब मुझे चाहिए एक्स क्यूब प्लस कितना टू, तो मैंने इनइक्वालिटी में हर एक बंदे में दो क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो माइनस सत्ताईस प्लस टू कितना माइनस पच्चीस और एट प्लस टू कितना वो दस आ गया, करेक्ट। तो एक्स क्यूब प्लस टू का मेरे पास आंसर आ गया। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर अगर फोर सोल्व करूं, तो क्वेश्चन नंबर फोर सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान सी बात है, क्या मेरे पास एक्स का डाटा ये है, मुझे एक्स की पावर चार का डाटा चाहिए, तो जब भी इवन पावर करेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्स स्क्वायर की तरह ही बिहेव करेगा, तो पहले मैं एक्स की पावर चार का डाटा यहां से निकालूं, इस तरफ कौन बैठेगा जीरो ही बैठेगा, यहां तो जीरो ही बैठेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तीन की पावर चार मतलब इक्यासी, माइनस तीन की पावर चार इक्यासी और दो की पावर चार कितना सोलह, दोनों में से बड़ा कौन, तो 81 बड़ा, करेक्ट। तो दिस इज जीरो कॉमा 81, तीन की पावर चार कितना होता भाई 81 होता है, बाई कितना एक्स क्यूब एक्स की पावर चार। अच्छा पॉजिटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी में जब भाग देते हैं तो क्या इनइक्वालिटी के सिंबल पे कोई फर्क पड़ता है, नो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो एक्स की पावर चार बाई कितना चार बिलोंग्स टू, चार से भाग दिया तो जीरो बाई कितना फोर और इक्यासी बटा कितना चार, आई होप दिस इज क्लियर। और फिर आपने इसमें कितना जोड़ दिया तीन, तो ये तो जीरो बाई फोर जीरो ही रहेगा, तो एक्स की पावर चार बाई कितना चार
प्लस कितना बाबू 3 बिलोंग्स टू, तो ये कितना 3 आ जाएगा यहां, और 81/4 प्लस कितना 3। दैट्स माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है वो चीज शायद आपको समझ में आ रही है। -3 से लेकर 2 के बीच में हमारे पास x का इंटरवल दिया हुआ था। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा उसने x² + 2 किसके बीच में लाई करेगा, तो हमने पहले x² किया, फिर दोनों तरफ 2 जोड़ा, तो 0 से 9 के बीच में आया 2 आया, तो यहां 0 में 2 जोड़ा तो 2 ही रह गया, और 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद x² था वही था हमारे पास, तो उसमें हमने कितना घटा दिया, तो 5 घटा दिया, तो मेरे पास 0 - 5 कितना, तो बोले -5, और 9 - 5 कितना, तो ये शायद 4 होगा, तो -5 से लेकर किसके बीच में आंसर आ गया, 4 के बीच में आंसर आ गया। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर तीसरा क्वेश्चन हमने किया x³ + 2, तो x हमारे पास -3 से 2 के बीच में, और x³ किसके बीच में आ जाएगा, तो इसका हमने क्यूब किया, तो दैट्स मीन्स -27 से लेकर 8 के बीच में। कोई कैलकुलेशन एरर जहां तक ना हो, कंसेप्चुअली कोई एरर नहीं होगी, बाकी आप देखते रहिए। अगर कोई, खैर आप तो अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस एरर है, करेक्ट, जहां तक हो सकता है मैं कैलकुलेशन एरर नहीं करने की कोशिश करूंगा, करेक्ट। सो दिस इज माय क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमने 4 क्वेश्चंस का क्या लिया, समावेश किया। आप इसको आसानी से उतार सकते हैं, पॉज करिए अपने वीडियो को और इसे आप उतार सकते हैं, करेक्ट। सुना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा इसमें और आगे अगर हम बढ़े तो इसमें एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, वन मोर टाइप्स, करेक्ट। ये हमने नेगेटिव और पॉजिटिव रीजन दोनों एक साथ ले लिया, अब एक आध क्वेश्चन हम लोग पॉजिटिव रीजन का भी ले लें, और फिर एक आध क्वेश्चन हम लोग नेगेटिव रीजन का भी ले लें। बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सो नाउ स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही प्रीसियस कॉन्सेप्ट है और आपको सीखने चाहिए 11th क्लास में ही। कई बार मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें 12th क्लास में नहीं आती हैं, और अगर आपको 12th क्लासेस में नहीं आती हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है, करेक्ट। नाउ एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, इफ एक्स बिलोंग्स टू, मान लीजिए हमने लिया पॉजिटिव रीजन, ले लेते हैं 2 से लेकर और ये ले लिया 4, x belongs to 2 to 4, देन पहला क्वेश्चन ले लिया 1/x belongs to, दूसरा क्वेश्चन ले लिया x² + 2/3 belongs to, तीसरा क्वेश्चन ले लिया 1/x² + 3 belongs to, एंड फोर्थ क्वेश्चन ले लिया वो है 1/x² + 3 belongs to। और अगला क्वेश्चन अगर हम इसमें लें तो ये ले सकते हैं x³ + 3/2। देर आर अगेन 4 क्वेश्चंस अंडर दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर में अगेन फिर से कितने क्वेश्चन आए बाबा, 4 क्वेश्चन हैं, x belongs to 2 to 4, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वैसे आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम फटाफट सवाल सॉल्व करते हैं, क्या ये पूरा का पूरा इलाका 2 से लेकर 4 के बीच में पॉजिटिव रीजन है? हाँ है। अगर पॉजिटिव रीजन है तो हम इसे बहुत आसानी से पलटी मार देंगे, 2 से लेकर 4 के बीच में है, ना आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हियर। एक्स मेरा जो है वो 2 से लेकर किसके बीच में जा रहा है, 4 के बीच में जा रहा है, मैं पलटी मारना चाहता हूं, तो ये इधर कूदेगा और ये इधर कूदेगा, दैट मीन्स 1/4 से लेकर 1/2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से मेरे पास आ जाएगा 1/x belongs to, इसको इधर कूदाया, कूदाया मतलब पलटी मारी, इसको भी पलटी मार रखी है आपने, 1/4 से लेकर इसको पलटी मारी, तो दिस इज 1/2, दिस इज माई आंसर ऑफ 1/x। सेकेंड क्वेश्चन में x² किया गया है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इसका डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो जहां है वहीं का वहीं होगा, इधर 4 आएगा और इधर कौन आएगा x² और इधर कौन आएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना 16। फिर इसमें आपने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तो इनइक्वालिटी में दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए, तो ये कितना 4 + कितना 2, और इधर x² + कितना बाबा 2,
और इधर 16 प्लस कितना 2, शायद ये बात आप समझ में आ रही। 4 और 2 कितना, वो बोले 6, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2, और इधर 16 और 2 कितना 18। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 2 जोड़ दिया, अब कितनी से डिवाइड कर रहे हैं आप, 3 से। इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी के सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज 3 से डिवाइड, 3 दोना कितना 6, इधर 2 आएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2 बाई कितना 3, और 3 छिके कितना 18। द माय आंसर इज 2 से लेकर कितना 6 के बीच में आ जाएगा, 2 से लेकर किसके बीच में, 6 के बीच में। नाउ फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/x² + 3, तो एक्स स्क्वायर का डाटा मेरे पास 4 से लेकर 16 है, तो फिर से 1/x² निकालना है। तो मेरे पास 4 से लेकर, ये डाटा 4 से लेकर 16 है, दोनों पॉजिटिव रीजन है, 1/x² हम कैसे निकालेंगे गाइस, ये बताइए। आगे वाले को पाछे लाएंगे पलटी मार के, तो ये 1/ कितना आ गया 16, और इसको इधर पलटी मारेंगे तो ये 1/ कितना आ जाएगा 4। 1/x² प्लस कितना करना है 3, तो दोनों तरफ 1/x² प्लस कितना कर दिया 3, तो इसमें आ जाएगा 1/16 प्लस कितना 3, और 1/4 प्लस कितना 3। दैट्स माई आंसर, इसे सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, यही मेरा आंसर है। बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस, और चौथा क्वेश्चंस ये आप स्वयं ट्राई करें, दैट्स होमवर्क। करेक्ट, डायरेक्ट हम क्यूब कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो पहले तो एक्स क्यूब का डाटा आ जाएगा, किसका डाटा आ जाएगा, एक्स क्यूब का, और फिर आप शायद आप कर लेंगे इसको, करेक्ट। सो ये हमारा पलटी मारने वाले और कुछ जोड़ना और कुछ घटाने के टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपको जो मैंने फोर्थ नंबर दिया है, ये आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है। समझ रहे होंगे मेरी बात। सो गाइज, हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज लीज, फंडामेंटल्स इनइक्वालिटीज की, भाई जोड़ने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है, वगैरह वगैरह, इसमें शायद आपको कोई डिफिकल्टी अभी तक मेरे हिसाब से नहीं आई होगी, करेक्ट। सो हम लोग अब और कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी और लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच कर जाएंगे। सो नाउ वी टेक सम प्रॉब्लम्स। सो मैं मेरे मोबाइल से आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लिखने जा रहा हूं। सो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, करेक्ट। सो नाउ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी कुछ एक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे तो नहीं, करेक्ट। सो देखिए, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं अभी तक, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम अभी होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एक प्रॉब्लम और करवा दूं, जिससे थोड़े से कंसेप्ट आपके और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। सो वी टेक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, करेक्ट। सो अगला एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसी हिसाब से। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x² + 9 इज लेस देन x + 3 का होल स्क्वायर, इज लेस देन 8x + 25। मतलब आपसे पूछा कि कितनी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल इसके सॉल्यूशन होंगे जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अब हम इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्या करने जा रहे हैं भाई, क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो नाउ वी सॉल्व, हमें संख्या निकालनी है कि कितने, देखो एक तो कौन कौन और एक कितने, तो उसे कह रहा कि कितने, हमें कौन कौन नहीं चाहिए, हमें तो बताना कि काउंट करके बताइए कि कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सो याद करिए,
दिस इज बाई डायरेक्शनल, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आ जाए तो हमारा बाई डायरेक्शनल इनइक्वालिटी के खाते में क्वेश्चन चला जाता है। बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 9 और एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 8x प्लस कितना 25। तो ये बहुत आसान सा सवाल है और इसे हम लोग सॉल्व करें। तो एक बार हमने इसको इधर से देखा और फिर इधर से देखा और फिर फाइनली क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो हमने जब इसको इधर से देखा तो बस हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए इनइक्वालिटी के। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस कितना 9 इज लेस देन, इसको होल स्क्वायर को खोल लिया जाए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी कितना बेटा 6x। इस सारे मोहल्ले को एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 9, इन सब को इधर ले आए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x एंड इट इज लेस देन 0, इट इज लेस देन 0। सो देन एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, 9 गेट कैंसिल, माइनस 6x इज लेस देन 0। तो दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब यहां से हमारे पास आंसर आया 0 पर लगेगा ओपन, क्योंकि डंडा नहीं है, 0 से लेकर कितना इन्फिनिटी, मतलब पहले पार्ट का इधर से आंसर हमें मिला 0 से लेकर कितना इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी हमारे आंसर मिला। नाउ सेकेंड पार्ट को अगर तरफ हम देखें तो हमारे पास, थोड़ा मैं ऐसे पोर्शन बना देता हूं, सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें तो इधर से हमें पार्ट बनेगा दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस कितना बाबू 9, इसे खोल रहा हूं, एंड प्लस कितना 6x और इट इज लेस देन 8x प्लस कितना 25। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज लेस देन 8x प्लस कितना 25। नाउ इन दिस केस अगर हम बात करें तो पहले सारे मोहल्ले को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले को सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 8x माइनस 6x, सॉरी नॉट प्लस 6x, इधर का तो इधर ही है वो, और प्लस कितना 9 माइनस 25, इट इज लेस देन 0। मैं गाइस बहुत ध्यान से देखिए, हमें बिल्कुल कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो ये 6x मैंने दो बार लिख दिया, एक बार इसे आप हटा दीजिए। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई आपने दो बार कोई चीजें लिख दी हैं हटा दीजिए। 6 में से 8 गया तो माइनस का 2 बचा, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x। 9 में से 25 गया तो माइनस का 16 बचा, माइनस का 16 और वो भी लेस देन 0। ना एक बार करेक्ट कर लीजिए, 9 में से 25 गया तो माइनस का 16 बचेगा और 6 में से 8 गया तो माइनस का 2 बचेगा और एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। बेटा इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है तो हमें क्वाड्रेटिक दिखाई दिया, हमने क्वाड्रेटिक टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 16, इट इज लेस देन 0। हमको लग रहा है कि इसका डी और ए निकाल लें, तो ए तो पॉजिटिव है साहब, ए तो यहां पॉजिटिव है, ए का वैल्यू 1 है। दूसरा हम लोगों को यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, दैट मींस बी स्क्वायर कितना मिलेगा, वो मिलेगा 4 माइनस 4ए सी माइनस 16, 16 चौके 64, डिस्क्रिमिनेंट माइनस माइनस प्लस हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आ रहा भाई, तो 16 चौके 64 और 4 कितना 68, 16 चौके 64 और 4 68, तो 68 ये डिस्क्रिमिनेंट आया भाई। डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है मतलब फैक्टर होगा, मतलब फैक्टर होगा, फैक्टर तो होगा। अब फैक्टर तो होगा लेकिन साहब 68 तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो सीधा सीधा श्रीधर आचार्य रूल लगाओ। श्रीधर आचार्य रूल क्या कहता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर को हम लोग डी कहते हैं बाई कितना 2 into a। तो x बराबर माइनस बी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहां 2 लिखेंगे प्लस माइनस d हमने निकाला वो अंडर रूट 68 है, तो दिस इज 68 बाई 2 into a का वैल्यू 1 है। सो दिस इज 2 प्लस माइनस, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 चौके 68, तो 4 बाहर आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 17 बाई कितना 2 करेक्ट, और ये 2 2 कैंसिल, दिस इज 1 प्लस माइनस
अंडर रूट 17, इतना वैल्यू मेरे पास किसका आएगा, x का आएगा। सही बात है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, 17। बोर्ड को मुझे मिटाना पड़ेगा, और हमारा जो क्वेश्चन था वो ओरिजिनल ये था, इस तरफ से आंसर हमारा 0 से इन्फिनिटी था, ये याद रखिए आप। इसको आप आराम से एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब मुझे उधर वाला आंसर निकाल के और इन दोनों पोर्शंस का क्या लेना पड़ेगा बाबा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और फाइनली ये भी देख लीजिए क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, करेक्ट। सो नाउ एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चंस को मिटाऊंगा नहीं, मैं यहीं पर आ जाता हूँ। अब मेरे पास जो डाटा आया, मैं इसको भी थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ। सो देखिए बच्चा, x बराबर जो डाटा आया वो दो वैल्यू आई, x के दो मान आए, और मेरी जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, लेस देन जीरो थी। याद रखिएगा वो लेस देन जीरो है क्वेश्चंस में, यहाँ पे दिस इज लेस देन जीरो, तो मतलब मुझे नेगेटिव रीजन चाहिए। x की दो वैल्यू आई, एक प्लस अंडर रूट 17, मतलब ये दो फैक्टर आए, और दूसरा फैक्टर आया 1 माइनस अंडर रूट 17। इनको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अच्छा यार एक बात बताओ, एक प्लस अंडर रूट 17 पॉजिटिव वैल्यू है, 1 प्लस कितना अंडर रूट 17। अच्छा ये वैल्यू कुछ भी हो लेकिन इससे छोटी है, तो हमने यहां लिख दिया 1 माइनस कितना अंडर रूट 17। इस तरफ प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू एक एक बारी आई है, मतलब पावर ऑड है, ऑड पावर है, तो अगर सबसे बड़ी के बाद वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन, ये हम लोग महारत हासिल कर चुके हैं। दैट मीन्स आई वॉन्ट द आंसर इज लाइक दिस। सो यहां से मुझे मिलेगा x बिलोंग्स टू, क्या वहां पे डंडा था, नो, तो कौन से इंटरवल का इस्तेमाल, ओपन, 1 माइनस कितना अंडर रूट 17, और ये 1 प्लस कितना अंडर रूट 17, ये मेरा ओपन इंटरवल में क्या मिल गया बेटा, आंसर मिल गया, नहीं फाइनल आंसर नहीं मिला, ये मुझे यहां से मिला। अब अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं वो एक फाइनली इसका और इसका, इसका मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी का हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस तरफ के पोर्शन को रफ करने जा रहा हूं, और मैं अब यहां पर इस मोहल्ले में इसका इंटरसेक्शन आपको लेके दिखाऊंगा, करेक्ट। सो नाउ अगर आप ध्यान से देख पाए तो देखिए साहब, मैं मुझे अब इस आदमी को, इस आदमी को और इस आदमी को, इन्फिनिटी तो कोई आदमी है ही नहीं, तो ये पहले मैंने जीरो दिखा दिया, ये लो साहब जीरो, जीरो पर गोला है, ये भी दिखा दिया, 1 प्लस अंडर रूट 17, पहले देख लीजिए अंडर रूट 17 16 के नियर बाई है, तो वो 4 समथिंग वैल्यू होगी, तो एक में से 4 जाएगा तो नेगेटिव आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, 1 माइनस अंडर रूट कितना 17, और इस पे भी गोला लगा दिया, और दूसरा बंदा है वो 1 प्लस अंडर रूट 17 है, तो 1 प्लस कितना अंडर रूट 17 है, करेक्ट, इस पे भी गोला लगा दिया। पहले आदमी ने बोला इन दोनों के बीच का डाटा लेना है, 1 माइनस अंडर रूट 17 से लेकर 1 प्लस अंडर रूट 17, और दूसरे आदमी ने बोला जीरो से इन्फिनिटी लेना है, तो ये ले लिया साहब। तो बताइए दोनों ने कॉमन रीजन कौन सा बोला, तो ये बोला, तो यहां से x बिलोंग्स टू जीरो पर भी ओपन है, और 1 प्लस अंडर रूट 17 पर भी क्या है, ओपन है, दिस इज 1 प्लस अंडर रूट 17 पर भी ओपन है। लेकिन मुझे इस बार ये नहीं पूछा था, मुझे उसने पूछा कि इसमें कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है एक्स के, वो काउंट करने। तो भाई एक बात बताओ, अंडर रूट 17 लमसम वैल्यू कितनी, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो 17 का कितना 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो हमने 4.1 ले लिया लगभग, मैं बात कर रहा हूं यहां पर लगभग की, इक्विवेलेंट ले रहा हूं, तो 4 में 1 जोड़ा तो कितना आया, तो 5 आया, तो ये वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग हो गई। तो यहां पर कौन था साहब, जीरो था, और यहां पर वैल्यू मैंने लिख दी 5.1, लगभग लिख रहा हूं, ये याद रखिएगा, दिस इज 5.1, 4.1 और 1, 5.1 हो गया। तो जीरो से बड़ा और 5.1 के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीग्रल है, क्या जीरो शामिल है, बोले नहीं है, क्या ये शामिल है, तो बोले नहीं है, तो जीरो के बाद अगली वैल्यू कौन, तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, क्योंकि 5.1 है, तो हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का टोटल नंबर ऑफ
पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज कितना 5। ठीक, दे आर कौन कौन से हैं वो, दे आर कौन कौन से पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है x की, x बराबर कौन कौन है वो 1, 2, 3, 4, 5 करली ब्रैकेट्स। आई होप दिस इज माई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस टाइप से भी सवाल पूछ सकता है। तो अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट शायद हो गए होंगे कि जहां तक मुझे लगता है कि अब आपसे गलती होने के चांसेस शायद बहुत कम हो जाएंगे। अब आपको मोर प्रैक्टिस करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आए उन सबको हमें सॉल्व कर देना है और इसी प्रकार से सॉल्व करना है जिसके अंदर अब आपको कोई डिफिकल्टी शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमने एक प्रॉब्लम देखा, चाहो तो एक आध प्रॉब्लम और देख लेते हैं। करेक्ट, सो आप इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि इस प्रकार में अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना। वही मैंने एक प्रोसेस आपको बताया, उस प्रोसेस को आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यूज करते जाइए बेटा, बहुत आसान सा टॉपिक है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये अल्जेब्रिक लीनियर इनइक्वालिटी या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक जितना भी आ जाए, अल्टीमेटली हमें करना तो फैक्टर ही है ना, और अगर हमें फैक्टर कर लिया तो उसके बाद वो क्वेश्चन हमसे बच नहीं सकता। अच्छा, किसी क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको श्रीधर आचार्य से भी कर सकते हैं, अगर उसका डी पॉजिटिव है तो। अगर डी नेगेटिव ही है तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक अलग लॉजिक बताया था कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी और थोड़ी सी प्रॉब्लम ले लेते, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडुलस और उससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज। ये मैं आपको पहले बता देता हूं और फिर लास्ट के अंदर हम बहुत सारे एक टास्क के तहत बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। करेक्ट, सो कुछ क्वेश्चंस हम लोग और लेते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस तो अब नहीं लिए जाएंगे लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चंस और ले लिया जाए। सही है, सो व्हाट नाउ, क्वेश्चंस लिया हमने ये एग्जांपल, मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख रहा हूं, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डिफिकल्टी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है अपने ऑन। आपके पास जो भी असाइनमेंट है, दुनिया का कोई भी कोचिंग का असाइनमेंट है, आप अगर इस टाइप के प्रॉब्लम है तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि जब ये चैप्टर खत्म होगा बेसिक मैथ्स, तो आप मॉडुलस में भी महारत हासिल कर लेंगे, लॉग में भी महारत हासिल कर लेंगे, नंबर सिस्टम के भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। और इनइक्वालिटी की तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटी हम और आगे डिस्कस करेंगे, जैसे लॉग की है, मॉडुलस की। द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच 10x² प्लस 17x माइनस 34 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x माइनस 3 इट इज लेस देन 8। ये मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इस क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर देना है। करेक्ट, सो सॉल्व कर दें। चलिए 10x² प्लस 17x माइनस 34 डिवाइडेड बाय दिस, कुछ नहीं करना है भाई, हमें तो सॉल्व करना है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब हमें इस यहां से इस इनइक्वालिटी की वो रियल वैल्यू ऑफ x निकालनी है जो इस इनइक्वालिटी को क्या करो, सेटिस्फाई करें। करेक्ट, सो कैसे, वही काम जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले उठाइए और इसको इधर ले आइए, क्योंकि जितना भी मोहल्ला राइट हैंड साइड में है उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। तो ये कितना हो जाएगा, 10x² प्लस कितना 17x माइनस कितना 34 एंड इट्स डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस 3 माइनस 8 एंड इट इज लेस देन 0 बाई 1 मान लिया। नीचे में एलसीएम लेंगे भाई, बेसिक मतलब हमें लॉजिक है, मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथ क्या कहता है कि भाई अब इसके बाद तू लघुतम ही लेगा यार, एलसीएम ही लेगा, इसके अलावा तू और कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं। तो ये दिमाग में अपने आप स्टेप स्टेप आनी चाहिए कि सर इसके बाद हम क्या करें, यहां पर आके हम खड़े हो जाते हैं सर इसके बाद क्या करें, तो कुछ नहीं है। आप सबसे पहले आपको ये बताया, इसको इधर लाइए, इसको इधर उचका के नीचे में वन मान लिया, तो अब इसका एलसीएम ही आएगा। तो एलसीएम लेने में भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया करो, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो। मैं बिल्कुल जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता उसके हिसाब से लेकर आगे तक की बात लेके जा रहा हूं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये एलसीएम ले लिया, इसका भागा इसमें दिया, जो भी है फंडा आपको ये बताता हूं, इसका भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया, कट गया, क्या था इसके बगल में 1, तो 1 मतलब ऊपर वाले को एज इट इज लिख दिया। दिस इज 10x स्क्वायर प्लस कितना 17x माइनस 34 माइनस 8 इंटू, अब इसका भाग इसमें दिया तो 1 से कट गया, तो यहां पर कौन बच गया साहब, यही बच गया, ये बच गया, तो उससे मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम का यही रूल होता है। मैं तो एलसीएम लेना बता रहा हूं भाई, बाकी सबको आता है एलसीएम लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना 3 एंड इट इज लेस देन 0, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको। तो बस अब आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड देखने में शायद, ये वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं तो आपको शायद डिफिकल्टी हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, करेक्ट? सो 10 में से 8 गया तो कितना बचा था, बोले 2 बचा, लिख दो साहब 2x स्क्वायर, 17x और 8 दूनी 16 माइनस का, 17 में 16 गया तो कितना 1, एक्स पॉजिटिव, माइनस का 34 और 8 थी 24, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर गलती ना हो, माइनस का 34 और प्लस 8 थी 24 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचा 2x और माइनस कितना 3 और इट इज लेस देन 0। तो भाई 24 और 10 34 होता है, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस कितना x और माइनस कितना, माइनस ही आएगा ना 10 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना 3, इट इज लेस देन 0, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर मैंने आपको ये बात कही थी स्टूडेंट्स कि साहब इस LHS पोर्शन का क्या करना है, फैक्टर्स करना है। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 है, 10 दूनी कितना 20, तो 5 और 4 हो जाए, 5 के 20, 5 में गया तो 4 बच गया, तो ऊपर वाले के फैक्टर दो हो रहे हैं, क्या 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, 5 के 20 करेक्ट, और माइनस कितना 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा इधर माइनस का 3 आ रहा है और इधर कितना 2 है, तो 3 और 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना 2x, नहीं 3 और 1 होगा तो 3x माइनस x, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3x स्क्वायर आ रहा है एंड दिस इज माइनस 3, इट इज लेस देन 0, करेक्ट होंगे, फैक्टर में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करेक्ट। सो मैं अब ये वाला पोर्शन बाबू यहां से रिमूव कर रहा हूं, सही है? अब देखिए साहब इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो उसके लिए उस तरफ देखिए, पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लिया, ये कितना बचेगा साहब 2x एंड प्लस कितना 5, दूसरे में कितना कॉमन आ रहा है 4 और 2 में, तो 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस टू कॉमन निकाल लिया, तो 2 दूनी 4 2x बच गया, और माइनस निकाल लिया तो 2 पंजे 10 2x प्लस 5 आ गया डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में से x कॉमन निकाल लिया पहले दो में तो x प्लस कितना बच गया 3, और माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये x प्लस कितना बच गया 3, इट इज लेस देन 0। तो सवाल तो लगभग सॉल्व हो ही गया है, इन दोनों में फिर आ गया तो x माइनस कितना 2 और इधर बच गया 2x माइनस प्लस कितना 5 एंड डिवाइडेड बाय x, इधर 1 मान लीजिए, x माइनस कितना 1 और x प्लस कितना 3,
इट इज लेस देन जीरो। इसके आगे तो मुझे बताने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहां पर वैसे भी डंडा नहीं है तो पकड़ पकड़ के जीरो करिए। मैं अगर आपकी इजाजत है, शायद आप लोग इजाजत दे रहे होंगे मुझे, मैं इन्हें डायरेक्ट प्लॉट कर देता हूं। डायरेक्ट प्लॉट गया तो इधर कितना, तो वन, ये इधर कितना, टू, इस पे गोला, इस पे गोला, इधर माइनस तीन और ये माइनस का पांच बटा दो, तो यहां पर एक छोटा सा जीरो दिखा दिया। इधर माइनस का पांच बटा दो, दिस इज नेगेटिव गोला, और इधर कितना, वो माइनस तीन, इस पर भी क्या गोला। सबसे बड़े के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राजधानी शुरू कर दीजिए। तो राजधानी शुरू कर दी तो अब बस, क्योंकि सब पे गोले हैं और सब पर ऑड पावर है, इसीलिए आपने राजधानी शुरू कर दी। इट इज लेस देन जीरो था, तो लेस देन जीरो था तो हमें कौन सा रीजन चाहिए बच्चा, नेगेटिव रीजन चाहिए। वी वॉन्ट नेगेटिव रीजन जीरो से लेकर दिस। तो एक्स बिलोंग्स टू, हमारे पास माइनस थ्री से लेकर माइनस पांच बटा दो यूनियन जीरो, वन से लेकर कितना, टू। माइनस थ्री से माइनस पांच बटा दो यूनियन वन से लेकर कितना, टू। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट और रॉन्ग। सो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई हमारे आंसर जो है वो सही है कि गलत है। दैट मीन्स माइनस थ्री से माइनस पांच बटा दो यूनियन वन से टू, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत सिंपल सा सवाल था, आप इसको भी कर सकते थे। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट हम लोग अब आगे और प्रॉब्लम करते हैं। सो मैं अब हम अगली स्लाइड में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।